आज से खुलेंगे सिनेमा घर, योग केंद्र और स्विमिंग पूल। 50% क्षमता के साथ ही किया जा सकेगा संचालन। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ और रियासतें की घोषणा। 12.8 पर अचानक 3.4 डिग्री की हुई गिरावट। पिछले साल 4 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री। शहर में दिवाली की तैयारियों के दौरान इस बार पटाखा कारोबार पर रहेगा अंकुश। इस बार 582 दुकानों को ही मनपा की मिलेगी NOC। 170 पटाखा दुकानें पिछले वर्ष के मुकाबले घटी। मुंबई से आया ST के 100% कर्मचारियों को बुलाने का फरमान। जल्द ही पूरी क्षमता से फर्राटा भरेगी ST बसें। 570 बसों का संचालन कोरोना काल से पहले होता था। फिलहाल 50% ही कर्मचारियों को बुलावा। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में नागपुर के तिलक पुतला चौक में भाजपा का हुआ प्रदर्शन। सरकार के विरोध में काला फीता और काला दुपट्टा बांध कर किया जा रहा है प्रदर्शन। ड्राई फ्रूट्स के दाम हुए कम, इस साल मिठाइयों की जगह बटेगा सूखा मेवा। लोगों द्वारा की जा रही है मांग, व्यापारियों को दीपावली पर मांग बढ़ने का अनुमान। सावनेर क्षेत्र में अलग 3-3 स्थानों पर पुलिस की हुई कार्रवाई। ढापेवाड़ा में जुआ अड्डे पर छापा, 6 गिरफ्तार। प्रांत शाखा पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। जरीपटका क्षेत्र का मामला, बुकी के इशारे पर किया घटना को अंजाम। 18 लाख रुपए के लिए हंगामा, सट्टा वसूली की रकम के लिए ऑफिस में हमला बोला। जिले में कोरोना के 234 नए मरीज, 10 की हुई मौत। तो वहीं रिकवरी दर पहुंची 93.18% पर।